Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 9. Question 9 is, spiral is made up of successive semicircles. Ek spiral hai, jo successive semicircle se milkar bana hai. With center alternatively at A and B. Jiske center alternatively A and B. Yani pehle ka A, second ka B, phir first, third ka A, फिर फोर्थ का भी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से ये सेंटर जो है आगे पीछे होगा। स्टार्टिंग विद सेंटर OA ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। सेंटर फर्स्ट जो है स्टार्ट ए से हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर का है, देन सेकंड सेंटर बी और रेडियस उसका क्या होगा 1.0 सेंटीमीटर। देन रेडियस ए का है सेमी सर्किल जिसका सेंटर सेंटर ए का जिसका रेडियस 1.5 है। देन जो नेक्स्ट रेडियस आएगा उसका सेंटर क्या होगा बी और रेडियस उसका कितना आएगा सेमी सर्किल का 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शोन इन द फिगर। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्पाइरल। तो टोटल लेंथ क्या होगी सच अ स्पाइरल की मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। अगर ये 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल से मिलकर बना है तो आपको बताना है कि कितने लेंथ होगी। सी नाउ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है फिगर आपने देखी लेकिन मैंने यहाँ ड्रॉ भी की हुई है। यहाँ पर हम ले लेंगे लेंथ, तो फर्स्ट वाले का ये सेमी सर्किल है तो इनकी लेंथ कितनी होगी पाई इंटू द रेडियस। पाई इंटू द रेडियस ये क्या होती है सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस। सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस। अब सिंस रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल विथ सेंटर ए ये कितना हो जाएगा, मैं R1 ले लेता हूं 0.5 एंड देन रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्किल विथ सेंटर बी ये कितना हो जाएगा R2 जो कि 1.0 एंड सिमिलरली यहां पर रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्किल विथ सेंटर ए अगेन ये क्या आ जाएगा R3 जो कि 1.5 होगा एंड फोर्थ वन वाला विथ सेंटर बी ये R4 जो कि हमारा कितना आएगा 2.0। अब मैं यहां पर टोटल लेंथ में अगर करूं तो टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल्स दैट इज स्पाइरल। स्पाइरल है ये क्या हो जाएगा दिस विल बी पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस अप टू ये क्या आ जाएगा पाई R13 ऐसे करते हुए। तो यहां पर हम देखेंगे ये कितना आएगा पाई अगर मैं कॉमन ले लूं कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू R13। अब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R की वैल्यू अगर मैं करूं ये है 0.5 देन 1 देन 1.5 देन 2 एंड देन अप टू द 13 तक ये आपका चलेगा। अब ये क्या हो जाएगा EP बना रहा है ये क्या कर रहा है EP बना रहा है जिसका A बराबर 0.5 है D बराबर कितना है वो भी 0.5 है और N बराबर कितना है 13 तो कितना सम आएगा पाई इंटू N बाई 2 13 by 2 into 2a यानी कि 2 into 0.5 plus 13 minus 1 यानी कि 12 into 0.5 ये आपका आ जाएगा। अब यहां पर आप स्टूडेंट क्या कर लीजिए पाई को 22 by 7 into 13 by 2 मैं यहां से अंदर से क्या ले लेता हूं ये 12 0.5 ये 12 into 2 कितना हो जाएगा 2 into 0.5 is 1 and 12 into 0.5 is 6 तो 1 plus 6 ये 7 है 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 11 13 1 जा 13 का 3 एंड 1 13 1 जा दिस 143 सेंटीमीटर ये उस स्पाइरल की लेंथ हो